फसल पक के लिए, और उसके बाद सनसेट भी वहीं पे देखेंगे। यहाँ से कुछ 8.5 किलोमीटर है फसल पक, मतलब अभी हम जहाँ पे गए थे जो हरप्पन सिटी है वो उसी के आगे है। मध्यान वहाँ पे इतनी धूप थी तो हमने सोचा कि चलो रूम पे चलते, पहले रिजॉर्ट ज़्यादा दूर नहीं था, एक 1.5 किलोमीटर दूरी था, फ्रेश होते हैं देन विल स्टार्ट फॉर फसल पक। सो अभी ये लेफ्ट में देख रहे हो, ये है वो डोलावेरा का हरप्पन सिटी। गाड़ी उतरेल का ये चढ़ेल का भाई, इतने थाम हास लो बोक्त एक मिनट। मला प्रॉब्लेम काय माहिती का, उतरायचं नाही, चढेल ना नाही तर सरकेल नको। अरे मला पण एकट्याने सरे बघ ना, फुल माती आहे आणि एकदम। चला आता बघू, हम लोग पहुंच चुके हैं फसल पार्क। तो बेसिकली ये पुराने जानवर या एम्फीबियंस जो थे उनके अवशेष यहाँ पे मिले थे इस, और अभी भी मिलते हैं बोन्स वगैरह, तो इसीलिए इसे फसल पार्क कहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, ये सामने जो है दैट इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक। देयर इज नथिंग मच से, और यहाँ पे ऐसे कुछ कहीं पे बोर्ड्स वगैरह भी नहीं है जहाँ पे इंफॉर्मेशन मिले कि एग्जैक्टली ये क्या है। और दिस इज़ अ गुड प्लेस वॉच टावर, तो मैं काम करता हूँ, अब मैं इस वॉच टावर के ऊपर जाता हूँ एंड आपको वहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ।
गाइस ये अभी जो आप व्यू देख रहे हैं ये वो वॉच टावर से है और जो मैंने आपको नीचे दिखाया था। काफ़ी खूबसूरत है और ये ढोलावीरा एक आइलैंड होने की वजह से इसको चारों तरफ से पानी है। चलो हम नीचे चलते हैं अभी फिर वहाँ से दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम नीचे जा रहे हैं फॉसिल्स देखने के लिए। लगता है कि लोकेशन अभी भी डेवलप हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ना सिक्योरिटी गार्ड है ना कोई है, बस कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी दिख रहा है हमको। वैसे अभी हम जा एंटर कर रहे हैं फॉसिल पार्क में। हम देख सकते हो ये दोनों तरफ जो है ये वाइट ये शेल के शेप का शेल के डिजाइन का डिजाइन दिया गया है इसको। ये जो आप स्टोन्स देख रहे हैं इनमें पुराने फॉसिल्स के मार्किंग्स है, बट देन द थिंग इज काफ़ी सारे रॉक्स प्लास्टिक से कवर किए गए हैं। वी आर नॉट गेटिंग अ क्लियर व्यू ऑफ द फॉसिल्स। तो गाइस आप ये जो देख रहे हो अभी सामने ये या तो बोन है या वुड है और इस पर कोई केमिकल अप्लाई किया गया है ताकि इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये ख़राब ना हो और इसको मेंटेन किया जाए। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस रॉक्स बट देन इन पे भी कोई मार्किंग्स रहेगी बट देन वी आर नॉट एबल टू चेक इट। Notice किया है यू सी दिस स्टोन्स ये भी पुराने शेल्स के मार्किंग्स है। सो गाइस वी आर डन विद द फॉसिल पार्क। कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए तो नहीं है यहाँ पे, नॉट इवन देयर इज मोर इन्फॉर्मेशन के हम आपको बता सके क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, कुछ बोर्ड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट देन इट्स फाइन, गुड प्लेस। यहाँ पे काफ़ी शांति है। तो गाइस अभी हम यहाँ से निकलेंगे एंड विल गो टू द सनसेट पॉइंट जो यहीं से आगे है। तो हम लोग सनसेट पॉइंट पे मिलते हैं आपको। Thank you.
to the resort. It is around 8 kilometers away from the sunset point. अभी अंधेरा हो चुका है. हमने एक टाइम लैप्स लिया था एट द सनसेट पॉइंट. सिंस दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने वो टाइम लैप्स लिया, आई डोंट नो कैसे आएगा वो. तो चलो मिलते हैं फिर एट द रिजॉर्ट.